दर्शकों तक हम पहुंचाने, जो कि अंबाला से सामने आ रही स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। और इस बयान के मार्फत अनिल विज ने कहा, प्रदेश में 5 नए कोरोना टेस्टिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, 2 दिन के भीतर जो सेंटर बनाए गए हैं उनमें काम शुरू हो जाएगा। और कोरोना के खिलाफ प्रदेश सरकार गंभीर है, ये अहम बात, अहम बयान अनिल विज की ओर से दिया गया। 5 निजी संस्थानों को कोरोना जांच की मंजूरी भी दी है, ताकि अस्पतालों की कमी ना हो। तबलीगी जमातियों ने कोरोना का उग्र रूप दिया, ये भी बयान उनकी ओर से दिया गया। कहा गया है, केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी जमातियों के सैंपल्स की रिपोर्ट, कि कितने जमातियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, कितने जमातियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तीन टेस्टिंग लैब हरियाणा में काम कर रही हैं, एक पीजे रोहतक, एक मेडिकल कॉलेज खानपुर और एक ईएसआई हॉस्पिटल फरीदाबाद में। और इसके साथ ही 5 हमने प्राइवेट लैब को भी इजाजत दे दी है और उस 5 में से 3 ने काम करना शुरू कर दिया है और सैंपल चेक करने शुरू कर दिए हैं। हमने और 5 लैब्स को इंस्टॉल करने का ऑर्डर दे रखा है और इन्हीं 2-3 दिनों में वो इंस्टॉलेशन का काम शुरू हो जाएगा। ये अभी हम ये हफ्ता कंप्लीट होने पर इस पर विचार करेंगे, क्योंकि अब ये तबलीगियों के मामले बहुत आ रहे हैं और अभी मैंने आदेश जारी कर दिए कि 1526 के सैंपल लिए जाएं और वो सैंपल लेने का काम चल रहा है। 1-2 दिनों में रिपोर्ट आएगी, हमें पता लगेगा कि इनसे कितने हमें बढ़ने की उम्मीद है कि इससे आंकड़ा बढ़ सकता है। तो देखिए, निलवेज की ओर से बड़ा बयान दिया गया है, उनकी ओर से कहा गया 5 निजी संस्थानों को कोरोना जांच की मंजूरी दी गई है, ताकि जांच हो सके और अस्पतालों की कमी ना हो। मरीजों की जो तादाद है लगातार बढ़ती जा रही है और इसको देखते हुए तमाम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 5 निजी संस्थानों को कोरोना जांच की मंजूरी दे दी गई है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है, तबलीगी जमातियों ने कोरोना को उग्र रूप दिया है, इससे पहले कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं थी। तबलीगी जमातियों के गांव में प्रवेश करने के बाद, हरियाणा में दस्तक देने के बाद ही कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ा है। यह भी कहा, केंद्र सरकार की जो है लगातार मुहिम चलाई जा रही है, तमाम जो नियमावली तय की जा रही है वो भी लगातार जनता के बीच में पहुंचाने का वो कार्य करते रहेंगे।